अस्सलामु अलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी मछली, जो कि हम फ्राई करेंगे। फ्राई मछली में जो जो मसाले डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। ये सबसे पहले तकरीबन हमने 2 किलो के करीब मछली है। मछली को हमने बहुत अच्छे से अदरक लहसुन के पानी से धो लिया है ताकि इसमें जो भी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन के पानी से इसकी तमाम स्मेल दूर हो जाती है। ये देखिए कितनी साफ़ सुथरी अच्छी सी मछली धुल गई है। अब इसमें हम जो मसाले डालेंगे वो इस तरह है। सबसे पहले ये हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये तकरीबन 3 टेबल स्पून है, ये डाल देंगे। ये 2 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, ये डालेंगे। 1 टेबल स्पून नमक है, ये 2 टीस्पून चाट मसाला, ये भी शामिल कर देंगे। ये 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन का लेके इसे मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ये भी डाल देंगे। ये 4 टेबल स्पून हमने मछली का मसाला लिया है, फ्राई मछली मसाला, ये शामिल कर देंगे। नमक हमने 1 स्पून रखा था क्योंकि फ्राई मसाले में भी नमक होता है। अब हम इसमें तकरीबन 2 नींबू का रस शामिल कर देंगे। ये सब मसाले डालने के बाद हमने ये तकरीबन 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया है, ये हम डालेंगे। इससे बहुत अच्छे हमारे मसाले आपस में बाइंड हो जाएंगे और ये मसाला जो है मछली पे चिपट जाएगा, तलते टाइम हटेगा नहीं। 3 टेबल स्पून हमने बेसन का लिया है, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इस तमाम मसालों को बहुत अच्छे से सब मछली के पीसों पे लगा लेंगे। इसमें हमने कोई भी गीला मसाला नहीं डाला है ताकि ये अच्छे से सब मछली के उस पीसों पे लग जाए। बहुत आराम आराम से सब पीसों पे हमने लगाना है ताकि मछली भी ना टूटे और सब पे मसाला अच्छे से लग जाए। देखिए सब पीसों पे अच्छे से मसाला लग गया है। अब इसे अगर आप फ्रीज करना चाहें तो एक एक पीस को अलग अलग रख के प्लास्टिक कि उस पर आप रख सकते हैं, फ्रीज कर दें, जब आपको ज़रूरत हो तो निकालें और इसे फ्राई कर लें। ये देखिए मछली हमारी अच्छे से मैरिनेट हो गई है, तकरीबन इनसे 3 से 4 घंटे हो गए। अब हम इसे फ्राई के लिए डालेंगे। देखिए मछली हमारी कितनी अच्छे से गोल्डन गोल्डन फ्राई हुई है। अब ये हम पलट देते हैं सारे पीस।